फ्रेंड्स, दिस इज जगांश सिंह, वेलकम स्टडी वाई थर्व सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन स्केप इंस्ट्रेट आर द टर्म्स गिवन बाई, ठीक है, इन स्केप इंस्ट्रेट गिवन बाई मतलब किसके द्वारा दिया गया था, वर्ड्सवर्थ के द्वारा, शेली के द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा, कि जी एम हॉपकिंस यानी कि फुल फॉर्म है होगा इसका, जी का मतलब है जेरार्ड मैनेले हॉपकिंस, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर है जेरार्ड मैनेले हॉपकिंस। राइट आंसर क्या है इसका? डी, डी इसका राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, कुनेन एक्ट्स एज अ प्रिवेंटिव मलेरिया फील इन द प्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा, इन फोर ऑप्शन में से आपको बताना है, ऑफ, इन, फॉर, टू, क्या होगा। अच्छा, कुनेन की बात करें तो कुनेन एक प्रकार का ये वाइट क्रिस्टल पाउडर होता है, ठीक है, जिसको मलेरिया होता है तो उसके जो रोगाणुओं की संख्या को क्या करता है, घटाता है, यानी कि एक प्रकार का क्या होता है, एक दवा होती है, ठीक है। तो एक्ट्स एज ए प्रिवेंटिव मलेरिया, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑफ, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफ मलेरिया। राइट आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं, अ मैन्स नेचर रन्स ईदर टू हर्ब्स आर वीड्स, देयरफॉर लेट हिम रीजनेबल वाटर द वन एंड डिस्ट्रॉय द अदर, द फिगर ऑफ स्पीच इज। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इन फोर ऑप्शन में से आपको बताना है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो राइट आंसर क्या है? डी, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन फोर को देखते हैं, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव द फिगर ऑफ स्पीच, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, क्रेडल टू ग्रेव यानी कि पालने से कब्र तक, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इन फोर ऑप्शन में से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी, मेटोनिमी। राइट आंसर इसका क्या है? डी है। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल हु आर एवर्स हार्ड वर्क जनरली टू नॉट सक्सेड इन लाइफ फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें भी आपको क्या बताना है, प्रीपोजिशन बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन होगा, ऑफ, इन, फॉर, टू। द पीपल हु आर एवर्स टू होगा यहाँ पे, टू हार्ड वर्क, ठीक है, टू हार्ड वर्क यानी कि डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं, एडगर इन किंग लियर स्पीक्स इन द वॉइस ऑफ, ठीक है, किंग लियर में एडगर स्पीक्स इन द वॉइस मतलब किसकी वॉइस को करता है, पुअर टॉम को, पुअर जॉन को, पुअर लियर को, नन ऑफ दिस को, किसको करता है, पुअर टॉम को। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। क्वेश्चन सेवन को देखते हैं, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज द बॉय ऑफ विनेडर इफेक्टेड बाई म्यूटनेस। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, प्रलूड। राइट आंसर इसका क्या है? सी है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कैरेक्टर इन किंग लियर, ठीक है, assumes a disguise to continue to serve Lear, yes, though Lear has banished him। इसका राइट आंसर क्या होगा कि किंग लियर में कौन सा कैरेक्टर, ठीक है, विच कैरेक्टर मतलब कौन सा कैरेक्टर किंग लियर में मतलब उसकी सेवा को जारी रखने के लिए क्या करता है, भेष को धारण करता है, हालांकि लियर ने उसे क्या कर दिया था, निष्कासित कर दिया। तो इसमें से कौन था, ए, बी, सी, डी, तो इसमें से कौन था, उसका राइट आंसर क्या है, केंट, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। सी इसका क्या है, राइट आंसर है। यस, क्वेश्चन नाइन को देखते हैं, कैम्ब्रिज इज द ब्रिटिश यूनिवर्सिटी विच अपीयर्स इन वर्ड्सवर्थ। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ए, प्रोलूड। इसका राइट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हुज वर हिज लव फॉर गोंडल एंड
रिगल इन किंग लियर। ठीक है, क्वेश्चन 10 को देखते हैं कि गोंडल एंड रिगल किंग लियर में फॉर यस लव फॉर यानी कि प्यार के लिए क्या करती हैं, कसम खाती हैं, तो वो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो उसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है एडमंड। ठीक है, एडमंड। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग कौन किसकी किस ऑप्शन की करेक्ट है, यानी कि ए की, बी की, सी की, डी की, किसकी है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? बी है। काउंटेनेंस का मतलब होता है चेहरे का हाव भाव, समर्थन, एक तरह से आप समर्थन भी कर सकते हैं, चेहरे का हाव भाव, CountenanceE। ठीक है, राइट आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी आपको स्पेलिंग ही चूज करना है, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसका करेक्ट क्या क्या होगा? डिसेमिनेट होगा, राइट आंसर डी है इसका। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रसार, DISSEMINATE। ठीक है, डिसेमिनेट क्या होगा? प्रसार होगा। राइट आंसर क्या है इसका? डी है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन। ठीक है, इसमें से इन फोर ऑप्शन में से आपको करेक्टली जो है कि पंक्चुएटेड वर्जन को करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है कि डी है, इसका करेक्ट है फ्रेंड्स बी, इसका राइट है। ठीक है, यहाँ पे सम रहेगा, SOME, यहाँ पे सम रहेगा, सम पर्संस कॉमा है, हु और सुपरस्टिशन से इट इज अनलकी टू गो व्हेन द कैट हैज क्रॉस्ड द वे। राइट क्या है आपका? बी है, यहाँ पे सम रहेगा, SOME। 14 को देखते हैं, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर व्हाट हैपेंस विद द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह प्रेजेंट में फ्यूचर है, तो व्हाट हैपेंस विद द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो जो रिपोर्टेड स्पीच क्रिया के साथ होता है क्या होता है, उसमें चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है, क्या होता है, ये आपको इसका मतलब बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ए, नेवर चेंज। ठीक है, नेवर चेंज राइट आंसर क्या है? ए है। 15 को देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। इसमें आपको ये देखिए, ये डायरेक्ट है, आपको इनडायरेक्ट में क्या करना है, चेंज करना है। द ऑफिसर सेड टू द टाइपिस्ट, ऑफिसर ने टाइपिस्ट से कहा, क्या कहा, आगे देखते हैं, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा, टाइप दिस लेटर इमीडिएटली, यानी कि लेटर को क्या करो, तुरंत टाइप करो, ये जो लेटर है उसको क्या करो, तुरंत टाइप करो। तो अब इसमें ऑफिसर दिया है, ठीक है, ये ऑफिसर दिया है, वह टाइपिस्ट से क्या कर रहा है, कह रहा है कि इस लेटर को क्या करो, तुरंत टाइप करो। तो अब फ्रेंड्स इसमें देखते हैं कि इनडायरेक्ट क्या होगा, सिंपल सा है, वो रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, ठीक है, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, टोल्ड कहेगा नहीं, यहाँ पे ऑर्डर दिया है, यहाँ पे नन ऑफ एबव दिया है, तो इसमें से कुछ ना कुछ तो करेक्ट है ही, ऐसा नहीं कि नन ऑफ एबव हो जाएगा। तो ये ऑफिसर है, ठीक है, ऑफिसर है तो क्या करेगा, ऑर्डर देगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सी है। राइट आंसर क्या है? सी, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द टाइपिस्ट टू टाइप दैट लेटर इमीडिएटली, ऑफिसर ने
टाइपिस्ट को क्या ऑर्डर दिया कि ये जो लेटर है उसको क्या करो, तुरंत टाइप कर दो। क्या किया उसने? ऑर्डर दिया, यानी कि सी क्या है उसने, राइट आंसर है, राइट। 16 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। 16 क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। यस, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी। इरेकंसिलेबल का मतलब क्या होता है? कट्टर विरोधी। सी इसका क्या है राइट आंसर, IRECONCILABLE, ठीक है। क्या होता है इरेकंसिलेबल का मतलब होता है कट्टर विरोधी। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। ये जो स्पेस दिया है इसमें आपको बताना है, ठीक है। यस, चलिए देखते हैं इसमें से आपको बताना है कि क्या इसका करेक्ट है, राइट। तो 17 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, टू विद इन नन ऑफ दिस। ये क्या है? सी इसका राइट आंसर है। सी इसका क्या है राइट आंसर, किसका है? 17 का है, राइट। चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस, इसको देखते हैं कि इसका करेक्ट क्या होगा, ठीक है। टेलिंग हिम बी टोल्ड टू वेट, राइट। यस, चलिए देखते हैं इसको, इसका करेक्ट क्या होता है। देखिए लेट हिम बी टोल्ड टू वेट है, ठीक है। ये आपको किसमें चेंज करना है? वॉइस में चेंज करना है, ठीक है, वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे लेट दिया है, हिम दिया है, टोल्ड दिया है, टू दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें इस 4 ऑप्शन में से आपको करना है कि क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो है, ये पे देखिए, वेट फॉर हिम है, ही शुड बी अवेटेड है, ही वॉज टोल्ड टू मी है, टेल हिम टू वेट है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा? डी। डी इसका क्या है राइट आंसर है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे लेट हिम टू टोल्ड टू वेट दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो ये क्या होगा? यस। नेक्स्ट देखते हैं, 19 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मैच है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच करना है आपको, ठीक है। नीचे जो ए बी सी डी दिया है, तो इसमें जो ऊपर दिया है, तो इसमें से जो नीचे वाला है आपको मैच करना है कि कौन से मैच है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे डायलॉग, ठीक है। माउस काम नहीं कर रहा फ्रेंड्स, चलिए इसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या है? डायलॉग है, ठीक है, डायलॉग है। तो ये दिया है अ कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स, ठीक है, यानी कि जो डायलॉग है वो कैरेक्टर के बीच जो कन्वर्सेशन है, यानी कि कैरेक्टर के बीच जो बातचीत है उसको हम क्या कहते हैं? डायलॉग कहते हैं, ठीक है। अ कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर के बीच जो कन्वर्सेशन यानी बातचीत है उसको हम क्या कहते हैं? डायलॉग कहते हैं। अब नेक्स्ट बात कहते हैं प्रॉप्स की, ठीक है। ये क्या है कि मूवी ऑब्जेक्ट विच आर यूज बाई एक्टर्स ऑन स्टेज, क्या कह रहे हैं कि ये जो वस्तु जिसका उपयोग यानी कैरेक्टर द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट विच यूज बाई एक्टर्स ऑन स्टेज, यानी कि जो कैरेक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है, उसको यूज किया जाता है, तो वह क्या होता है? प्रॉप्स होता है।
क्रॉप्स की हिंदी क्या होती है? रंगमंच की सामग्री. क्या होता है? रंगमंच की सामग्री. ये तो करेक्ट है. यस, डिक्शन को देख लेते हैं. डिक्शन का मतलब क्या होता है? शब्द चयन, यानी कि चॉइस ऑफ वर्ड्स फॉर इफेक्ट, यानी कि प्रभाव के लिए शब्दों का क्या करना, चॉइस करना, यानी कि शब्दों का क्या करना, चुनाव करना. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डिक्शन, यानी कि शब्द चयन. डिक्शन का मतलब क्या होता है? शब्द चयन. और चॉइस ऑफ वर्ड्स फॉर इफेक्ट, इसका क्या होता है कि प्रभाव के लिए शब्दों का क्या करना, चॉइस करना, यानी कि चुनाव करना. अब नेक्स्ट बात करते हैं, सिंटैक्स की बात करते हैं. असिंटमेटिक ऑर्डरली अरेंजमेंट, यानी अरेंजमेंट है, यानी कि एक व्यवस्थित व्यवस्था करना. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स, यानी कि वाक्य विन्यास. इसमें से फ्रेंड्स फोर जो है वो तो करेक्ट है, यानी कि इसमें कोई मिसमैच नहीं है. ऑल द करेक्ट, यानी कि ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है. ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है. ठीक है, यानी कि पूरा क्या है कर रहा है, मैच कर रहा है. नेक्स्ट देखते हैं, ये भी मैच ही करना है. मैच ऑफ द फॉलोइंग, यस, मैच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कौन सा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है, अगर बुलेट की बात हम करें, अ पोयम इन वर्ड्स विच टेल अ स्टोरी. ठीक है, ये क्या होता है? गाथा गीत होता है. बुलेट क्या होता है फ्रेंड्स? यह एक गाथा गीत होता है. यह एक पोयम जो पद्य में एक कविता, ठीक है, जो पद में अ पोयम में इन वर्ड्स, यानी कि पद में जो एक कविता विच टेल अ स्टोरी क्या करती है, एक कहानी को कहती है, यानी कि एक कहानी को बताती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गाथा गीत, यानी हम उसको क्या कहते हैं? बल्लट कहते हैं, गाथा गीत कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. यस, लिमरिक की अगर बात करें तो ये होता है, यस, अ ह्यूमरस वर्स ऑफ फाइव लाइंस. ये क्या होता है? ये पांच पंक्तियों का एक हास्य छंद होता है. ठीक है, ये पांच यानी कि फाइव लाइंस, यानी कि पांच पंक्तियों का क्या होता है? एक हास्य छंद होता है. ये भी करेक्ट है. लिरिक की बात करें, इससे आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं. अगर लिरिक की हम बात करें तो अ शॉर्ट पोएम विच एक्सप्रेसेस इमोशंस एंड फीलिंग्स. ठीक है, और शॉर्ट पोएम यह क्या होती है? एक शॉर्ट पोएम है जो कि इमोशंस एंड फीलिंग को क्या करती है? एक्सप्रेसेस करती है, यानी कि उसको क्या करती है? व्यक्त करती है. तो वो क्या होता है? लिरिक होता है. राइट, कपलेट की अगर बात करें तो टू कंजक्टिव लाइन्स दैट राइम. तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, ऑल आर करेक्ट. इसमें पूरा क्या है? करेक्ट है. राइट आंसर आपका ए. देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो जानकारी रखना जरूरी है. नेक्स्ट देखते हैं, 21 क्वेश्चन को देखते हैं. यस, देखते हैं. जेरार्ड मैनली हॉपकिंस इन्वेंटेड द फॉर्म ऑफ कार्टन सोनेट. इट इज सोनेट विच कंसिस्ट्स. क्या कह रहे हैं कि जेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने इन्वेंटेड किया था, यानी कि आविष्कार किया था. ठीक है, तो 12th लाइन का तो वो सोनेट है. ठीक है, वो इन फोर ऑप्शन में से वो कितने लाइन का सोनेट है? 12th लाइन का, कि 11 लाइंस का, कि 13 लाइंस का, कि नन ऑफ एबव. तो इसका राइट आंसर है बी. बी इसका 11th लाइन. ठीक है, राइट आंसर क्या है? बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. हु इज एसोसिएटेड विद विलियम सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ. राइट आंसर इसका, राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, कॉलरिज. राइट आंसर इसका क्या है? बी, कॉलरिज इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं, 23 क्वेश्चन को देखते हैं. द सेलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन स्पीक एंड राइटिंग, यस, इज नोन एज. ठीक है, वो क्या होता है आपको इसमें बताना है. तो 23 का राइट आंसर है डी, अभी आपने ऊपर देखा है. ठीक है, डी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं,
24 क्वेश्चन को देखते हैं. अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग, ठीक है. क्या कह रहे हैं कि दूसरे की भावनाओं को समझना और उसमें क्या करना, इंटरिंग करना, ठीक है. जो दूसरों की भावनाएं हैं उसको समझना और इंटरिंग करना, वो क्या है इन फोर ऑप्शन में से. सिंपैथी है, इमोशन है, एम्पैथी है, नन ऑफ दिस है. तो क्या है इसका राइट आंसर आपको बताना है. तो इसका राइट आंसर रेफरेंस सी, एम्पैथी. एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति होता है, हमदर्दी होता है, यानी कि दूसरों के प्रति. जैसे बेस्ट एग्जांपल दिया जाए कि जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे के प्रति, उसके उसके पास कितना दर्द होता है, कितनी सहानुभूति होती है, ठीक है. तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं. राइट आंसर क्या है, सी है. 25 क्वेश्चन को देखते हैं. अ क्वोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग, इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स आपको. इसका राइट आंसर है डी, एपिग्राफ, ठीक है, एपिग्राफ. आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर को कंप्लीट करवाइए. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ. अब आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी और आपको PGDE का मॉडल पेपर मैं करवा रही हूँ, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा. तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.